तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने डक फार्म में स्टार्ट किया हूँ फिश फार्मिंग। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने जो ये सेटअप है मेरा, जिसमें मैंने मछलियाँ रखी है, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि मुझे एरिएशन करना था, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर लगाया था कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें एयर पंप भी था और उसमें पाइप भी था और एयर बॉल भी था। लेकिन दोस्तों, मेरा जो एयर पंप है वो तो मुझे पहले मिल गया, लेकिन मुझे एयर बॉल और पाइप डिलीवरी होने में 2 दिन लेट लग गया, जिसके कारण दोस्तों मेरी कुछ मछलियां भी मर गई। और मैं कोशिश कर रहा था कि उसको ऑक्सीजन देने के लिए, वो जो मेरे आप सामने पीछे देख रहे हैं, मेरा जो टैंक के ऊपर जो समर्सिबल से पानी गिराता हूँ, लेकिन रात में दोस्तों मुमकिन नहीं है कि मैं बार बार उठ के उसको चालू करूँ, जिसके कारण मेरी कुछ मछलियों की मॉर्टलिटी हो गई। लेकिन दोस्तों, जब मैंने देखा कि मेरे फ्लिपकार्ट वाले मेरे जो प्रोडक्ट का है टाइम से डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने देखिए एक जुकाड़ टेक्नोलॉजी लगाया है, जिसमें मैं मेरे पास टुल्लू पंप का जो पाइप था पहले का पुराना बचा हुआ, मैंने उसका यूज किया है दोस्तों, और उसी से मैंने अभी इलोन को एरिएशन दिया है, जो अभी काफ़ी अच्छा तक हद तक कारगर है और मेरी मछलियाँ हेल्दी है और अभी फिर मॉर्टलिटी एकदम से रुक गई है। दोस्तों, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कुछ अभी आपके पास अगर संसाधन का कमी है, तो आप भी कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी फार्मिंग को अपना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोस्तों ये प्रॉपर नहीं है। इसमें देखिए एक ही कोना में ऑक्सीजन बन पा रहा है, बाकी सारे साइड में मतलब वो ऑक्सीजन का ये नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा जैसे जैसे ये मछलियाँ बड़ी होगी और इनको ऑक्सीजन का मतलब ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, और ये मतलब इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, हाई डेंसिटी में है इन लोग, तो दोस्तों धीरे धीरे इन लोग ऑक्सीजन का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कुछ एयर बॉल, कुछ पाइप और कुछ एरिएटर का मशीन भी मंगाया है। दोस्तों, मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम में कैसे मैं अपने ये जो मेरा सीमेंट का टैंक है, इसमें जिसमें मैंने शुरू में बायोफ्लॉग भी करके बंद कर दिया है, अभी बीच में मैं इसमें घोंघा पार रहा था, और अभी मैं इसको मछली का जो फ्राई साइज का मछली है वो मैंने अभी इसमें रखा, उसका ग्रोथ अभी बहुत अच्छा है, कुछ मछलियां फिंगरलिंग के साइज की हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी हमको ज़रूरत पड़ रहा है एरिएटर का, इसमें एरिएशन करने का। तो दोस्तों, मैं अभी इसमें किस तरह से एरिएशन करता हूँ, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप भी अगर सीमेंट टैंक में मछली पालन करिएगा, तो कैसे कौन सा प्रोडक्ट मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। और ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, जो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ये मशीन जो है, ये एयर पंप, ये 80 वाट का है, और इस मैंने इसलिए इसको मंगाया दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर से भी ये मेरा वर्क करेगा। तो दोस्तों देखिए, ACO006 है, रेसन कंपनी का, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर लगाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी तो मैं इसको लगभग 2 दिन से कंटिन्यू चला रहा हूं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है इसमें दोस्तों। और आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा इस तरह का पंप का, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये सबसे परफेक्ट है, आप यही मंगा लीजिए, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसको मंगाया है और ये अच्छा से काम कर रहा है अभी। और तो दोस्तों देखिए, ये कुछ कनेक्टर हैं जिससे हम पाइप को और पाइप का कनेक्शन करेंगे, और ये देखिए, ये है पाइप, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। दोस्तों अगर आप पूछना चाहते हैं तो क्या रेट का है, तो ये है 332 रुपये का। और दोस्तों एयर बॉल जो है, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एयर बॉल है, इसमें जो है पाइप का कनेक्शन होगा मशीन से, और इसके बाद इसमें जो पानी में बुक 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 बुगी काढ़ेगा ना बेटा, हाँ। और फिर देखिएगा मज़ा, जो आप एक्वेरियम में देखते हैं सिस्टम, उसी तरह का सिस्टम है ये लगभग, इसको एरिएशन करने का तरीका ये देखिए।
ये भी लगभग 300 रुपये का है, मतलब 50 रुपये करके एक एयरबॉल का पड़ा। देखिए आप देख सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिया है 6 पीस ये। और मशीन मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मशीन का लगा मुझे 3200 रुपये, मतलब कहने का मतलब है 4000 रुपये लगभग मुझे सामान का खर्चा हो गया। और दोस्तों एक मज़ेदार मैं आपको बताऊंगा, जो कहावत हम लोग के यहाँ पे है ना कि बाबू से ज़्यादा झुंझुना, वही बाबू से महंगा ज़्यादा झुंझुना। ये मेरा मछली जो आप देख रहे हैं, ये मछली लगभग मुझे पड़ा था 2000 रुपये का, जिसमें मैंने 7 किलो मछली परचेज किया था। और दोस्तों अभी देखिए, ये जो सिस्टम है इसका मुझे 4000 रुपये पड़ गया, मतलब दुगुना रेट। तो दोस्तों आजकल फार्मिंग में तो यही है कि संसाधन का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सही से फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। और देखते हैं, फिर भी मैं बहुत कम कॉस्ट में करने की कोशिश करता हूँ। और ये भी अभी आप देखिएगा, बायोफ्लॉक के लिए काफ़ी महंगे महंगे 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार के एरिएटर आदमी लोगों लगाते हैं, लेकिन मैं तो ये मात्र 3000 रुपये का एरिएटर है और बाकी 1000 रुपये का सामान है, तो मान के चलिए 4000 रुपये मेरा इधर खर्चा हुआ। देखिए मैं इसका फिटिंग कैसे करता हूँ और कैसे मैं अपने जो टंकी है उसमें आप एरिएशन लगाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा सेटअप अब लगभग लगभग रेडी हो गया है। और देखिए ये बुलबुले कितने मस्त लग रहे हैं मैं हमारे टंकी में। ये देखिए चारों साइड पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों एक्चुअली ये बुलबुले देखिए कैसे इतने मस्त से उठ रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये है पाइप जिसका कनेक्शन किया हुआ है यहाँ ऊपर एक मशीन से। और दोस्तों ये मशीन मैंने बताया था आपको, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है इसको। और देखिए मैंने इसका कनेक्शन कैसे किया है, ये मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए ये मशीन है, और देखिए मैंने इसको लगाया कैसे है। ये देखिए मेरा घर का जो है सज्जा है, सज्जा के नीचे रखा है, क्योंकि जैसे बरसात का दिन है, देखिए अभी भी पानी पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बरसात का पानी मशीन पे ना लगे, तो इसलिए मैंने इसको सज्जा के नीचे इसको कील मार के तार से बांध के मैंने इसमें ऊपर से एक प्लास्टिक भी लगा दी है, लेकिन ये प्लास्टिक हल्का लगा हुआ है, ज़्यादा जोर से नहीं लगा हुआ। ये देखिए कनेक्शन कैसे किया हुआ, ये जो एयर पाइप है इससे एक मोटा पाइप निकला हुआ है, और इसके बाद इसमें डिवाइडर लगा हुआ है जिसमें 8 अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन हैं, और यहाँ से फिर ये छोटी छोटी पाइप जाती है। और इसका 8 कनेक्शन है, लेकिन मेरे पास 6 एयरबॉल था, तो और इसीलिए मैंने अपने टंकी के लगभग 6 तरफ मैंने लगाया है इसको। तो दोस्तों और ये जो 2 कनेक्शन बचा हुआ है, अभी मेरे पास एयर बॉल नहीं था इसीलिए मैंने इसको देखिए लॉक कर दिया है, ये एक पाइप छोटे छोटे पाइप लगा के, तो ये कनेक्शन है दोस्तों। और अब अभी आप देख सकते हैं मेरे जो टंकी में जो मछलियाँ जो ऊपर में दिखती थी, कुछ मछलियाँ आपने देखी होंगी कि ऊपर में तैर रही थी, वो सारी मछलियाँ अब ऊपर से नीचे चली गई है अपने जगह पे, और अब हमको दिख नहीं रही है। तो दोस्तों सबसे पहला बात आप ये जान लीजिए, मछली अगर आपके टैंक या तालाब में नहीं दिखे तो समझ लीजिए वो बहुत हेल्दी है, मस्त से खा पी रही है, अंदर में रह रही है, और उसमें मॉर्लिटीज नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मछलियाँ ऊपर दिखती है तो आपको ये समझना चाहिए कि उसमें जो है ऑक्सीजन का लेवल है कम हो रहा है, और आपकी मछलियों का मरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मेरा सेटअप है, और ये देखिए मेरा टेक्निक है, और मैंने बायोफ्लॉक से भी बहुत कुछ ये सब सीखा था, तो मैं अभी फिलहाल उसी का यूज कर रहा हूँ। ये बायोफ्लॉक का ही टेक्निक है एरिएशन देना। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास तालाब भी है, छोटा तालाब है, और उसमें हाई डेंसिटी में आप पालना चाह रहे हैं,
या छोटा सीमेंट टैंक से आप पालना चाहते हैं मछली, तो आपको देखिए ये टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है फीडिंग के साथ मछलियों को ऑक्सीजन मिलना, और ये ऑक्सीजन मतलब पूर्णतः ऑक्सीजन पता प्राप्त हो पाता है इसी तरह से, यही तरीका से, यही टेक्निक से। और दोस्तों मैंने जैसे बताया था, ये जो मेरा मशीन छोटा सा है 80 वाट का है, इसलिए एक बल्ब की इतना बिजली इसमें खपत होता है, इसलिए मैं इसको जो अपने घर का इन्वर्टर है उससे भी चलाता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, बरसात का दिन चल रहा है ना, अभी बरसात है, तो अभी बरसात है तो मैं यहाँ पे लाइन का बहुत दिक्कत होता है। कल रात भर जो है मेरे फार्म में लाइट नहीं था, सो दोस्तों जब लाइट नहीं था तो फिर भी मेरा ये काम किया, क्योंकि ये 80 वाट का है और मुझे अपने इन्वर्टर से मैं इसको चला पाया। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं या फिर फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं फिश फार्मिंग से रिलेटिव आपको अब बहुत सारी जानकारी दूंगा, आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।